subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट। आज कल जो सारा शोर दुनिया में मचा हुआ है वो कोरोना वायरस के हवाले से है। इसके अलावा और भी मसले मसाइल हैं मुल्कों के लॉकडाउन की वजह से, उस पर भी थोड़ा हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है, तकरीबन 1,07,000 जो है दुनिया में इसकी डेथ हो चुकी हैं और तकरीबन 17,00,000 टोटल कोरोना के जो मरीज़ हैं वो हैं। पाकिस्तान की कोई सूरत हाल भी बहुत अच्छी नहीं है। तकरीबन 5,021 के करीब लोग हैं जो इस बीमारी में मुबतला हैं और तकरीबन 86 डेथ्स हो चुकी हैं। और कुल कल जो है, कल का दिन बड़ा हैवी था पाकिस्तान के लिए, उसमें 15 लोग हलाक। उसको देखते हुए हुकूमत सिंध और पंजाब ने कुछ इलाकों को बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया और बाद में इसका ये था कि उसको उन्होंने लॉकडाउन को रिलैक्स कर दिया है। और लेकिन ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान का ग्राफ बढ़ रहा है वो सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। क्योंकि देखें, लॉकडाउन जो है उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता, इसके दिन में इजाफा होता रहेगा जब तक के लोग कोऑपरेट नहीं करते। इसकी तो बेस्ट मेडिसिन जो इस वक्त दुनिया में निकली है वो तो है स्टे होम, डोंट मूव आउट। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ लोगों का डिसिप्लिन नहीं है। ये चीन से शुरू हुआ और वहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल है और वो नॉर्मल वर्किंग उन्होंने शुरू कर दी। लॉकडाउन्स के क्या असबाब थे और अभी ये कितना अर्सा चलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। और दूसरा, ये जो हसास प्रोग्राम के हवाले से वज़ीरे आज़म साहब ने 12,000 रुपये दिए हैं लोगों को, वो वक्ती तौर पर तो खुश हैं, लेकिन ये जो 12,000 हैं ये 4 महीने के दिए हैं, तो 3,000 रुपये पर मंथ एक फैमिली के लिए ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये नाकाफ़ी है और इससे बात बनेगी नहीं। और आपने देखा होगा कि अभी मुल्क के अंदर जहां एक तरफ हुकूमत जो है मसरूफ़ है कोरोना वायरस से जहाद कर रही है, वहां साथ ही साथ चीनी और गंदम के स्कैंडल के जो रिपोर्ट है वो सरेआम हो गई है। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो उनके करीब तरीन साथी थे उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया है। इन तमाम बातों के ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमने दावत दी है जनाब मंजर नकवी साहब को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं दी फाइनेंशियल डेली इंटरनेशनल के एडिटर हैं यहाँ पे, और काफ़ी इनकी गहरी नज़र है। इनका अपना भी एक प्राइवेट चैनल आजकल बड़ा एक्टिव है, काम कर रहा है। और इनकी जो दो टोक राय होती है लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और हमने उनसे आज वक्त लिया तो हमें मेहरबानी है कि आप जो तशरीफ लाए हैं। वेलकम नकवी साहब, आप कैसे हैं? शुक्रिया अबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने नकवी साहब शुरू में अपने इंट्रो में बताया है कि इस वक्त सारी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, लॉकडाउन है, बिजनेस शट डाउन है, ट्रेन सर्विस बंद हैं, जहाज बंद हैं, बैरी जहाज बंद हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद है, तो उसकी वजह से हर हुकूमत जो है वो पैकेजेस अनाउंस कर रही है। अमेरिका ने भी, आपको याद होगा, 2.2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। और अभी देखने में आया है कि अमेरिका जो है इस वक्त वर्स्ट स्टेट है, वहाँ पे जो सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। तकरीबन 5,33,000 लोग जो हैं वो हैं वहाँ पे मरीज़ हैं टोटल, और कोई तकरीबन 32,000 जो है वो रिकवर हुए हैं और
डेथ जो है आप हैरान होंगे सुन के, इटली से भी क्रॉस कर गई, ये 20,000 के ऊपर है। तो ये एक सूरत हाल जो है ये बहुत ही ख़राब है और वो बहुत परेशान है। तो आप इसको अंडर द सर्कमस्टेंसेस, जबकि दुनिया ही बंद है, तो आप इसको इकोनॉमिकली कैसे देखते हैं? ये IMF भी अगर कर्ज देती है, लोकल भी अगर आप हेल्प करते हैं, तो क्या हम इस मयार पे पूरा उतरेंगे कि हर एक आदमी को हम लुक आफ्टर कर सकें जो इस पोजीशन में नहीं है, जो लेबरर्स हैं ख़ास तौर पर, जो डेली वेजर्स हैं? जी जी भट्ट साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, अमरीका में इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है और वहाँ पर 5,33,115 अब तक हो चुके हैं और 20,580 जो डेथ हो चुकी हैं, और पूरी दुनिया में तकरीबन 18 लाख के करीब 17,90,000 लोग इफेक्ट हो चुके हैं। हमारे यहाँ पाँच हज़ार से क्रॉस कर गए। लेकिन हमारे यहाँ मसला एक और भी है ना भट्ट साहब, हमारे यहाँ टेस्टिंग कितने लोगों की हुई है? हमारे यहाँ कुछ 56,000 जो पूरे पाकिस्तान में है, 56,57,000 के करीब हम अब तक टेस्ट किए हैं। हमारे यहाँ तो ओपनली टेस्टिंग ही नहीं है कि पता लग सके कि ये क्या है और क्या नहीं है। हमारे यहाँ कोरोना से ज़्यादा जो है, हम ज़्यादातर घरों में बैठ के जहनी मरीज़ हो गए हैं और खौफज़दा हो गए हैं। इस वक्त पूरा मुल्क बंद पड़ा हुआ है, जगह जगह लॉकडाउन हुए हुए हैं, तमाम कारोबार लॉकडाउन से क्या हुआ है, सारी बिजनेस एक्टिविटी, तमाम इकोनॉमिक सिस्टम हमारा रुके रह गया है। कहीं पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई कारोबार नहीं चल रहा। अगर चल रहे हैं तो वो परचून की दुकानों के, मेडिकल स्टोरों के, और वो ब्लैक मार्केटिंग के, और एक माफियाज के कारोबार इस वक्त बहुत अरूज पर हैं, जो कि हमारे हमेशा से होता है कि जैसे रमजान से पहले कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो कोरोना के जब ये मामला हुए और स्टोरों पर रश लग गए। आप मुझे कोई स्टोर बताएं जहां पर आप 5 बजे स्टोर बंद हो जाते हैं, थोड़ी सी टाइम के लिए खुलते हैं स्टोर दिन में, और वो इतने खचाखच भरे हुए होते हैं, लोगों के मुंह पे मास्क किसी के होते हैं, हर एक के नहीं होते, और कोई किसी ने अपने हाथों को नहीं किया हुआ होता, तो साफ किया हुआ होता। वहाँ बाहर कोई लोग ऐसे बहुत कम स्टोरों पे हैं कि जान चीज़ों का सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन आम तौर पर ये कि और फिर जगह जगह खचाखच स्टोर भरे हुए और ये वहाँ से फैलेगा, तो क्या ही अच्छा हो कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो साथ साथ हमें महदूद तौर पर, ये इसका हल नहीं है लॉकडाउन करना। आइसोलेशन आपने अभी पढ़ा है, इसका एक ही इलाज है जो अभी आपने बताया कि वो सेल्फ क्वारंटाइन है और घर में रहें, और यही सबसे ज्यादा अच्छा इलाज है। मगर जब आप ग्रोसरी लेने के लिए, सौदा लेने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ बेताशा रश फेस करते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे? और इसी तरह हमारे यहाँ गरीब गुरबा लोगों की बहुत तादाद है, और फिर उससे ज्यादा सफेद पोश तबका जो है ना, वो बहुत ज्यादा मुतासर है। नकवी साहब, आपने ये जो बात की है बिल्कुल आपने सही की है कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे लॉकडाउन जो है वो नाकाम नज़र आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब जगह जगह तो गवर्नमेंट जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डिप्लॉय नहीं कर सकती कि वो लाइन बनाए और 3-3, 4-4 मीटर का फासला रखे, ये तो लोगों को सोचना चाहिए। ये ना गवर्नमेंट के बस का बात है, ना हमारे अवाम में इतना शऊर है। तो इसका दूसरा हल ये है कि आप कम से कम स्टोर को 24 घंटे खुला छोड़ दें, ताकि आपका रश डिवाइड हो जाए और लोग पैनिक ना हो। मैं पैनिक इसलिए होता हूँ कि 5 बजे जो है ना स्टोर ने बंद हो जाना है, और मैं फिर 3, 3:30, 4 बजे निकल रहा होता हूँ, और वहां पर सभी लोग यही सोच के आए होते हैं, क्योंकि पता है हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड है कि बिजली का बिल भी आखिरी तारीख में जाके जमा कराते हैं। इसी तरह स्टोरों में सारा दिन रश नहीं होता, आखिरी वक्त में जब उसका बंद होने का टाइम होता है उस वक्त रश लग जाता है। अगर मैं आपके यहाँ एक तवज्जो मजबूत कराना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने 17,000 सेंटर्स खोले हैं एहसास प्रोग्राम के लिए, जो कि पेमेंट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि सेंटर्स के बाहर जो हरूश देखा होगा, आपने मालूम होता है कि लोग शायद किसी मेले के ऊपर आए हुए हैं, और यही अवाम जो है अगर 20 तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक के लोग जो हैं वो खुद अपनी जान के पीछे अगर पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आप मुझे बताएं।
आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये मेरा फर्ज भी है, ये आपका फर्ज भी है, ये सब तमाम गवर्नमेंट का ही सारा सब फर्ज नहीं है। जो जो आपका हक है वो गवर्नमेंट का फर्ज है, जो गवर्नमेंट का फर्ज है वो आपका हक है। हम अपना हक तो अदा नहीं करते, दूसरे को फर्ज अदा करने के लिए कह रहे होते हैं कि आपका ये फर्ज है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा क्या फर्ज है। अगर हम अपना फर्ज अदा कर दें तो हमारा कोई हक रहेगा ही नहीं, वो खुद ब खुद मसला हल हो जाएगा। लेकिन जहां तक लेजिस्लेशन है, जहां तक गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, आपने बताया 17,000 सेंटर खोले और वहां पर क्या मारधाड़ हो रही है, और सवाए थर के सारी जगहों पर जिस तरह से वो पैसों पर लूट पार हुई है, और कई जगह तो अभी लोगों के पैसे भी चोरी हो गए हैं, वहां पर डाका जानी और रेजनी, और क्राइम रेट कितना बढ़ गया है हर तरफ। तो आपके पास सारे ऑनलाइन सिस्टम है, आपके पास आईडी कार्ड नंबर है, आपके पास मोबाइल नंबर है, जिसपे आपने एहसास पर रजिस्टर्ड किया, तो आप जब उस पर रजिस्टर करते हैं तो आपसे आईडी कार्ड नंबर मांगता है, फिर आपको रजिस्टर्ड होता है, आपका फोन नंबर भी वहां चला गया, आपका आईडी कार्ड भी चला गया। तो क्या बात है कि इजी पैसा से या ऑनलाइन से या आपको जाके एटीएम के जरिए वो पैसे क्यों नहीं मिल सकते, आपने क्यों इतने रश के अंदर और इस तरह से बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपने जो है बड़ी अच्छी बात की है कि बजाय इसके के जो सेंटर्स खोले जाए और रश किया जाए, यही रकम अगर आप एटीएम के थ्रू उनको कार्ड इशू कर देते, क्योंकि डाटा तो आपके पास मौजूद है सबका जिनको आप पैसे दे रहे हैं, भी है आपको एक लेकिन क्या वजह है कि ये इस तरह की जो सजेशंस है आवाम तो देती रहती है हुकूमत को, लेकिन हुकूमत जो है उनका अपना एक माइंड सेट है जो कि उसमें कोई तब्दीली लाना नहीं चाहते। कोई भी अच्छी सजेशन भी अगर उनको दी जाए तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है बट साहब, सारा मसला यही है कि कोई अच्छी सजेशन पर अमल नहीं होगा, कोई सजेशन चलेगी नहीं, क्योंकि हुकूमत कौन है? हुकूमत वही हमारा मुराद याफ्ता और मुफाद परस्त सियासतदान तबका है। उसको गरज ये नहीं है कि आपको सहूलत पहुंचाए। उसने हमारे यहाँ कोरोना से ज्यादा एक और मसला है, वो है करप्शन। हमारे जहनों में, हमारी हुकूमतों में, हमारे वज़रा में, हमारे सियासतदानों में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे आम आदमी में करप्शन रच बस गई है। हम हर चीज पे अगर कहीं से इमदाद आ रही होती है तो हम सोचते हैं कि इसको हम हड़प कहाँ से करें और इससे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाएं। अभी कराची एडिटर्स क्लब के लिए हमें चाइना के सीजी ने हमें फोन किया कि हम आपको मास्क देना चाह रहे हैं। मैंने कहा N95 मिल जाएंगे, तो उसने कहा जी N95 तो मैंने कल ही सिंध गवर्नमेंट को, ये कोई 2 हफ्ते पुरानी बात है, तो उसने कहा कल ही मैंने सिंध गवर्नमेंट को 5 लाख दे दिए, तो अब तो मेरे पास वो दूसरे ही हैं। तो लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट के पास वो 5 लाख आए, उसके अलावा जो हर तीसरे दिन एक चाइना से पूरा जहाज भर भर के इमदादी सामानों का आ रहा है, उसमें किट्स आ रही हैं, उसके अंदर पूरे हिफाजती। आपने एक बड़ा नकवी साहब आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि जो चाइना से एड आ रही है और वो यहाँ कराची में जहाज आ रहे हैं और उसके बावजूद सिंध हुकूमत को शिकायत है। अब लेकिन आपने देखा होगा कि ये सिंध हुकूमत और सेंटर में जो कपचलिश जो चल रही है पिछले जब से 15-16 महीने से, उसमें कोई कमी देखने में नहीं आई। तो ये मतलब 18वीं 13वीं अपनी जगह ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन अगर हम सेंटर के साथ अगर सूबा जो बड़ा सूबा जो है जो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर वो कन्फ्रंटेशन में रहेगा तो बात कैसे बनेगी? दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने किट्स की बात की थी, चाइना ने हमें किट्स भी बहुत दी हैं। अब तंग आके आज अखबार में ये खबर थी कि सिंध को जो है किट्स जो हैं वो थ्रू पाकिस्तान आर्मी सप्लाई की जाएगी। तो क्या वजह है कि आपस में इनका कोऑपरेशन नहीं हो रहा सेंटर का और सिंध गवर्नमेंट का? जी अभी तक मुश्किल से सिंध को 3,000 किट्स मिली हैं और ज़्यादातर किट्स प्राइवेट हॉस्पिटलों में चली गई हैं, जो कि पैसे दे के लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, और अब तक 56-57,000 टेस्ट हुए हैं। और अब पाकिस्तान आर्मी के थ्रू अगर ये बढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम लोगों तक पहुंच तो जाएंगी। अब आप कह रहे हैं ये सिचुएशन क्यों अराइज हो रही है सेंटर और आपने देखा होगा कि मदर साहब आपसे सवाल ये है कि जैसे हमने देखा है कि लॉकडाउन जो है उसमें हुकूमत को डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं और ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है बजाय ये कि कम होने के, और लोग भी आपने खुद भी एग्री किया कि डिसिप्लिन है इतना उनमें शोर नहीं है और जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है। आपने देखा होगा लोग ज़बरदस्ती मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं जबकि मना किया, और उन्होंने पुलिस पे अटैक भी किया यहाँ कराची में किसी इलाके में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अंडर
सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल है लोगों को जान बचाने के लिए एक आदमी जो है वो 500 आदमी को बीमार करेगा, तो आप नहीं समझते कि हमें इसके लिए शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है 3-4 दिन के लिए कर्फ्यू नाफज करके और हाउस टू हाउस सर्च करके, ताकि किट्स भी आ गई हैं तो टेस्टिंग शुरू की जाए ताकि पता चले कि कौन बीमार है कौन नहीं है। इसका हम जवाब लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। सो वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले नकवी साहब से सवाल किया था कि लॉकडाउन जो है वो उसमें हुकूमत जो है वो कामयाब नहीं हो रही, और चूँकि केसेस की रफ़्तार जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है ख़ास तौर पर सिंध में और पंजाब में भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या मुनासिब नहीं होगा कि चंद दिन के लिए एक कर्फ्यू लगाया जाए ताकि लोगों को भी एक एहसास पैदा हो जाए कि भाई ये जो है वो प्रिकॉशन लेना जो हुकूमत कह रही है बहुत ज़रूरी है। जी आप कैसे देखते हैं इसको? जी भट्ट साहब, मैं सबसे पहले तो मैं लॉकडाउन का ही मैं मुखालिफ हूँ कि जो जिस तरह का हमारे लॉकडाउन चल रहा है वो कामयाब नहीं है, और आपने भी बताया कि हुकूमत को भी तजर्बा हो गया कि नाकाम हो गया, क्योंकि हमने इसमें जिस्मानी फासलों का कहीं इमदाद देने में, कहीं खाना देने में, कहीं शॉपिंग करने में बेताश रश का सामना किया। अब अगला मरहला आता है, ये उससे अगला मरहला है लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू का। अगर आप कर्फ्यू लगा देते हैं तो जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, वो खाना कहाँ से खाएंगे? अगर आपका पास ऐसा एक मैकेनिज्म है कि आप पहले लोगों तक राशन पहुँचा दें, या आप कर्फ्यू लगाने से पहले एक ऐलान कर दें कि अपना 15 दिन का आप खाना लेके आप रखें और 15 दिन के बाद कर्फ्यू का वक्फा होगा। कर्फ्यू का वक्फा तो अगर आप रोज़ाना करेंगे, जब भी कर्फ्यू होता है तो 1-2 घंटे का वक्फा दिया जाता है, कहीं 2 घंटे का दिया जाता है। जब कर्फ्यू में 1-2 घंटे का वक्फा होगा, उस पर बाजारों में क्या सूरत हाल होगी, कितना रश होगा, और कितना आपकी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, कितने लोगों ने मास्क पहने हुए होंगे, और कितनी पैनिक बाइंग हो रही होगी, और कितनी पैनिक तरीके से बाजारों में लोग रश कर रहे होंगे। तो कर्फ्यू के दौरान वक्फा तो आप देंगे ना कर्फ्यू का, तो ये कैसे मसला होगा? तो मैं जैसे पहले कह रहा हूँ, कोरोना से ज़्यादा बड़ी बीमारी हमारे पास करप्शन की है। हम अगर सहूलत पहुंचाना चाहें सब मिलजुल कर, और आवाम अपना फ़र्ज अदा करें, हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करे, फिलहाल ये ब्लैक मार्केटिंग करप्शन को रोक दें और अब मुफादे आम्मा के लिए काम करें। और इसमें कोरोना एक सुपर पावर से आया है, सुपर पावर सबसे ज़्यादा इस वक्त उसमें मुबतला है, 5 लाख से ज़्यादा केसेज हैं, लेकिन उससे भी एक बड़ी सुपर ताकत है जो कि अल्लाह ताला है। अगर हम उस सुपर पावर की तरफ रुजू करें और वहाँ पर हम अपने मसले का हल करें। आपने कहा कि मस्जिदों में लॉकडाउन हुआ हुआ है, मस्जिदों में कि लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं और वहाँ पर भी लाठी चार्ज हुए हैं और लोगों के सर फटे हैं, मैंने भी देखा है पॉलिसी कि काफ़ी लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। तो कम अज़ कम हम मस्जिद में उनको खोल दें और वहाँ पर हम एक डिस्टेंस रखने का, सफ़ों में डिस्टेंस हो जाए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से हों। आप लॉकडाउन करें या कर्फ्यू करें या कुछ भी ना करें, आपकी सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत यह है कि आपने जिस्मानी फासलों का ख्याल रखना है, एहतियाती तदाबीर करनी है। आप घरों में गर्म पानी के का इस्तेमाल करें, आप हाथ धोने का करें, आप ये भी कहें कि दिन में 5 बार वजू करें, आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें, आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने। ये सारे हर एक को पता है, आपको टेलीफोन लगाता हूँ ना मैं आपको, तो मुझे वो सारा वो कोरोना के मुतल्लिक हदायत आनी शुरू हो जाती है। हर एक के टेलीफोन पर कोरोना की हदायत मौजूद है, मगर अमल कोई नहीं कर रहा सब, क्योंकि मुझे तो लगना नहीं है, पता नहीं किसको लग रहा है, मुझे नहीं लगना। और फिर जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास टेस्टिंग की सहूलत ही नहीं है। आपने कितने लोगों को टेस्ट किया है? आपका ये जो रिकॉर्ड है 5,000 का, ये 56,000 की टेस्टिंग के ऊपर है। तो अगर अभी आपकी आबादी 21 करोड़ प्लस है, 22 करोड़ के लगभग है, अगर 21 करोड़ में से भी आपने 56,000 टेस्ट किया है, तो क्या परसेंटेज है, अंदर कितना छुपा हुआ होगा कोरोना? तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वो जब भी है कि आप हमारी मईशत, आपने अभी सबसे शुरू में कहा था कि दुनिया की इकोनॉमी ख़राब होती जा रही है, 14-15 ट्रिलियन डॉलर का फर्क पड़ गया है। हमारे यहाँ भी 100-150 बिलियन डॉलर का इफेक्ट हो चुका है इकोनॉमी पे, और ये मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। आगे हमारी
क्या ग्रोथ रेट होगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारी सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, हमारे सारे कारोबार पड़े हैं, हमारा सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और उसका इफेक्ट लोगों पे आ रहा है, बेरोजगारी बेतहाशा हो गई है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं है, वो बाहर निकल रहे हैं और वो तो एक तो जो कि इमदादी सिस्टम जो भी है उसको लोगों को रिलीफ दें। क्या मैं आपको नकवी साहब, मैं यहाँ थोड़ा आपको रोकूंगा, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो बेरोज़गार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए वो राशन जो है वो बाकायदगी से सप्लाई हो रहा है और उनको पहुंच भी रहा है, मिल भी रहा है। हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारा मीडिया जो है वो सिर्फ नेगेटिविटी को ज़्यादा फ़रोग देता है। जिन लोगों को तो राशन दिया जा रहा है उनके बारे में तो कोई भी आपको वायरल नहीं मिलेगी, और ना ही आप जिस आदमी को राशन नहीं मिलेगा उसकी वो वीडियो बना के तो वायरल कर देंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। देखें, गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पैसे भी दे रही है, इसके अलावा जो हमारी जो कुछ NGOs हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, वो भी लोगों को खाने खिला रही हैं, राशन तकसीम कर रही हैं। ये भी देखने में आया है कि एक आदमी जो है वो एक फैमिली का राशन उसको अगर महीने का दिया गया है तो उसने 7 बच्चे भी अपने लाइन में खड़े कर दिए हैं, वो भी राशन ले रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि गाली जो है वो एक हाथ से नहीं बचती, 2 हाथ से बचती है। अगर लोगों ने इस तरह से करना है तो वो फिर अपनी जानों से तो खेल ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो प्रोटेक्ट करेगी कि जो दूसरे लोग हैं किसी एक की नाहली की वजह से वो जो है उनको नुकसान ना पहुंचे, तो इसका भी तो सत्यापन करना है ना। जी भट्ट साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने पहले भी यही कहा है कि हमने अपने हकूक और फराइज को निभाना है, हमने अपना भी फर्ज अदा करना है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो राशन बढ़ रहा है, लेकिन काफी सारा, और यह भी बात बिल्कुल सही है कि एक आदमी ने 8-8 आदमियों का राशन लिया, और जो भी राशन ले रहा है कितनी भगदड़ मच रही है, और जो फनकार है वही राशन ले सकता है इस मामले, और वो राशन के पैकेट का साइज क्या है, अगर कोई शरीफ आदमी है उसका तो वो 1-2 दिन भी उस राशन से नहीं गुजरेगा। और जो भी JDC है, सिलानी है, और जो दूसरे इदारे खाना रोजाना खिला रहे हैं, बांट रहे हैं, वहां पर भी लोगों के रश लगे हैं और सारा सिस्टम। मैं ये कहता हूं कि किसी भी तरीके से आप राशन लेके मत बांटें, उसमें जब आप इतने अरब रुपए का लो और राशन दे दो, सो हुकूमत ने इतने 8 अरब रुपए का राशन बांट दिया है, लेकिन जब आप ये चीज़ों का राशन खरीदते हैं तो आपकी प्राइसेस वैसी हो जाती हैं नॉर्मल हालात में जो होते हैं, मार्केट है उसमें शॉर्टेज पैदा हो जाती है, जब चीज़ों में शॉर्टेज पैदा होगी तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इमदादी आप राशन खरीदेंगे तो उससे प्राइसेस का फ़र्क मुझे एक आम आदमी को भी गुजारना पड़ेगा, जो पूरी कौम भुगतेगी। तो आप, हमने जैसे अभी कहा कि आप ऑनलाइन लोगों को, हर एक के पास आईडी कार्ड है, हर एक के पास मोबाइल है, आप मोबाइल आईडी कार्ड के थ्रू इमदाद इजी पैसा से और मोबाइल लिंक से और दूसरे जराए से और या ATM कार्ड जिनके बने हुए हैं मुस्तहिक लोगों के, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो जैसे अभी आपने कहा कर्फ्यू लगाएं, उसके बाद जनाब आप सबसे कह देंगे जी, मैंने कहा ना हर कर्फ्यू में हर दिन आपको वक्फा देना पड़ता है, लेकिन ये कर्फ्यू फिर ऐसा हो कि एक हफ्ते का कर्फ्यू और एक हफ्ते तक कोई, फिर एक हफ्ते बाद एक दिन का वक्फा होगा, ताकि सब लोग डिसिप्लिन के साथ अगले हफ्ते तक फिर इकट्ठा कर सकें। अभी हम थोड़ा, अभी नकवी साहब हम थोड़ा आते हैं जो हमारे साथ साथ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। आपने देखा होगा एक बहुत हाई लेवल कमीशन सेट किया था शुगर और वीट के माफिया के खिलाफ, उसमें उनकी रिपोर्ट भी आ गई और उसके ऊपर हुकूमत ने एक्शन भी ले लिया, उनके अपने ही आदमी जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारी जो हुकूमत की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हाउ टू फाइट कोरोना वायरस, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो आज ये अखबार में पढ़ा है कि जी अब वो जो पावर माफिया है उसके पीछे जो है हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब का बयान आना है कि वो अब पावर माफिया के पीछे पड़ेंगे। सवाल ये है कि यहाँ पे जैसे आपने कहा कि करप्शन जो है वो तो इतनी मैसिव हुई है, क्या अभी नहीं हो रही, अभी भी करप्शन हो रही है, लेकिन बात यह है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर हम इन चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो फिर हम जो है मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल अनार्की फैल जाएगी, गदर हो जाएगा, और हम, आपने जिसका इशारा किया, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं कि अभी
थोड़े दिनों तक आप देख लीजिएगा कि फूड शॉर्टेज आने वाली है, और जब फूड शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आपका आप नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत को प्रायोरिटी जो है वो ये कोरोना वायरस के ऊपर मजबूत करनी चाहिए। बिल्कुल बट साहब, आपने वही बात कर दी जो हमने अभी इशारों के नाम में बात की है कि आगे फूड शॉर्टेज हो जाएगी। हुकूमत ने अभी जो आटा माफिया और शुगर माफिया के लिए केस ओपन किए और उसकी इंक्वायरियां हुई और लोगों को हटाया गया और वो लोग दोबारा अपनी अपनी जगहों पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों को हटाया गया वो उन्होंने फिर अपनी एक पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है, और जो कि ज्यादा अब अनार्की फैल रही है और एक स्टेबिलिटी को फिर खतरा हो गया है। इस वक्त सारी बातों को भूल के हुकूमत, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातें और अवाम के साथ मिलकर अवाम के लिए, सबके सब अवाम की खातिर इकट्ठे हैं, अवाम अपना फर्ज अदा करें। पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, ये सारे लीगे सारे लोग मिलके इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना से फाइट करें। इस वक्त ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के 212 ममालिक में ये फैल चुका है। हमारे यहाँ अभी ये शुरू हुआ है, अभी हमने कहाँ तक जाना है, अभी ये स्टार्ट है। हमारे तो अभी 5,000 है, वहाँ दुनिया में तो ये लाखों में चल रहे हैं। तो अभी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, लोग इतने तंग आ गए हैं कि ये खत्म कब होगा। मैं कहता हूँ अभी तो ये सही तरह से शुरू नहीं हुआ, खत्म होने की बात तो बाद में आ गई। अभी तो हमने कोई मेजरमेंट ही नहीं लिए, अभी तो हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी, ना हुकूमत ने कोई फेडरल सतह पर कोई पॉलिसी बनाई है। अभी तो सूबों और फेडरल की हस्ताकशी है। एक 8वीं तरमीम ने सबके दिमाग खराब किए हैं, जिसको देखो 8वीं तरमीम के बाद जनाब हमें बिल्कुल बेलगाम कर दिया। नकवी साहब, आपने एक बड़ी अच्छी बातों में जो जिक्र किया है कि अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। इस वक्त वाकई सूरत हाल ये है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है, अपोजिशन ने, ठीक है इनका भी रवैया कोई इतना अच्छा नहीं था हुकूमत के साथ, लेकिन हुकूमत जो है वो बड़े भाई का किरदार अदा करती है। तो हुकूमत को भी चाहिए था कि वो अपोजिशन को मिलाती। ये एक ऐसा मौका है, ये नेशनल काज है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, तमाम अपोजिशन जमातों को साथ अपने लगाते बिठाते, और जो जाती इख्तलाफात हैं या जो वैसे ग्रोही इख्तलाफात हैं उनको बलाए ताक रखते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक पेज पर लाना ज़रूरी नहीं था? जी देर आए दुरुस्त आए, अभी भी ये किया जा सकता है। ये आपकी बहुत खूबसूरत बात है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और वजीर आजम की सदारत में होनी चाहिए और पूरे सियासतदान को इस वक्त एक पेज पे होना चाहिए। इस वक्त एक हम हंगामी सूरत हाल से निपट रहे हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है। अपोजिशन शहबाज शरीफ का पुराना बड़ा अच्छा तजर्बा है डेंगू कंट्रोल करने का, उनके उनसे भी इस्तफादा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों का भी बड़े तजर्बे हैं, उनको भी इस्तफादा करना चाहिए। ये सब हमारे ये सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग हो, ये हमारे वोट लेके आए हैं। पीटीआई के पास 31% मैंडेट है, बाकी जो है 68% मैंडेट दूसरी जमातों और दूसरे लोगों के पास है। जिन 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 लोगों को हमने मैंडेट दिया था, ये हमारे सारे रहनुमा, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे हुकूमत में, सब एक जगह बैठे और हमारे लिए लाया अमल तय करें। और अवाम का फर्ज है कि जो भी लाया अमल तैयार किया जाए उस पर सख्ती से अमल करें, वो चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, इलाज का हो, टेस्टिंग का हो, दवाओं का हो। इस वक्त जब तक पूरी कौम एक नहीं होगी तो हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बट साहब बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे नकवी साहब और उसके बाद फिर आएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं वफ़ा लूँ, मैं आपके लिए सवाल छोड़ना चाह रहा हूँ। वो ये है कि इस वक्त आउट ऑफ बॉक्स कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जी शायद अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाएं, और आपने देखा होगा कि जो ख्वाजा बरादरान हैं उन्होंने परवेज़ अलाई साहब से मुलाकात की है कई 18-20 साल के बाद, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है और उसको किसी और तनाजुर में भी देखा जा सकता है। और अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं शायद वो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, लेकिन उसका तो उन्होंने इशारा दे दिया कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो ये जो इस किस्म की जो चल रही हैं खबरें चल रही हैं, क्या आप समझते हैं कि एक ऐसे मौके पे जबकि मुल्क जो है इतनी मुश्किलात का शिकार है, इस किस्म के शोशे छोड़ने चाहिए? अगर अगर कोई शोशा छोड़ रहा है तो क्या मीडिया को इसको उछालना चाहिए? ये हम वक्फे से आने के बाद आपसे इसका जवाब लेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले नकवी साहब से गुफ्तगू हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से, फिर हमने मुल्की सियासत पे भी कुछ उनसे सवाल किए और उनसे सवाल हमने ये छोड़ा था कि मौजूदा हालात में जबकि मुल्क एक इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, फैक्ट्रियाँ सारी बंद हैं, कारोबार सारे ठप हैं और एक तूफान सा बरपा है, एक ऐसे मौके के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को मिल के चलना चाहिए और जो इस किस्म के जो शोशे हैं छोड़े जा रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, तब्दीली आ रही है और जिन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है वो एक अपना अलहदा ग्रुप बना रहे हैं और ख्वाजा बरादरान की जो मुलाकात हुई है चौधरी परवेज अलाई से, इसको किस तनाजर में देखा जा रहा है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है। एक तो इनका टाइमिंग अगर आप देखें तो वो टाइमिंग जो है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है, क्योंकि जब इस किस्म के हालात हों, अफरा तफरी के हों, तो फिर इन हालात में कुछ भी हो सकता है। कि आप इन डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं नकवी साहब? जी, इन डेवलपमेंट को बहुत ही तशवीश की नज़र से देखते हैं। वैसे तो जैसे आपने कहा कि इस वक्त हुकूमत जाने की बातें और ये भी एक टीवी चैनल पे चली थी खबर के जी वज़ीर आज़म ने एडवाइस दे दी है असम्बलियाँ तोड़ने की, बट साहब जब से ये हुकूमत बनी है जब से ही कमज़ोर है। उसकी वजह ये है कि इसके पास कभी इतनी अक्सरियत नहीं थी, 3-4 उस वजह से अभी भी नहीं है। और ये पहले दिन से ये मामला जो है जब से हुकूमत बनी है जब से इसके जाने की भी बातें शुरू हो रही है, तो ये प्रोपेगेंडा हमेशा चल रहा है। इस वक्त जब कोरोना के मामले आते हैं, फिर परवेज इलाही बरादरान और ये नवाज शरीफ लोगों की मुलाकात, नून लीग की मुलाकात, इसने कुछ और शकूक को शबात को जन्म दे दिया है, तो हो भी सकता है। लेकिन और ऊपर से इस वक्त जब आटी चीनी के बहरान पे कुछ लोग नाराज हुए हैं, जिन्होंने पूरी हुकूमत साजी में पूरा किरदार अदा किया, जिन्होंने वो पूरी कौम जानती है कि जिन्होंने इस हुकूमत को बनाया, जो इस हुकूमत के पीछे खड़े रहे, जिन्होंने MNAs MPA सूबाई हुकूमत के सतह पे वफाकी सतह की हुकूमत पे हर तरह की सपोर्ट दी, अब उनसे भी नाराजगी की खबरें, वो कहते हैं कि कम नाराजगी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिम्मेदार है, वो दूसरे हैं, तो लेकिन एक वो थोड़ा सा रखना पड़ा है, तो उससे शोबात को ये जरा तासुर मिलता है कि अगर अब ये अपने MNAs पीछे निकाल लेंगे तो एक बड़ी ग्राउंड बन जाती है। कि जो इस वक्त दूसरी तरफ ये कौमी हुकूमत बनाने की भी बातें चलती रही हैं और तमाम उस पर भी वो मामला, वज़ीर आज़म तैयार नहीं हुए तो कहा गया कि जी चूँकि वो कौमी हुकूमत के लिए तैयार नहीं हो रहे तो फिर वो खुद असम्बलियाँ तोड़ देंगे और फिर वो इलेक्शन हो जाए। तो इस वक्त ये वक्त नहीं है इन सारी सियासत खेलने का। ये हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए और जो हुकूमत से के अंदर भी एक ब्लॉक बना हुआ है या बन गया है तो उनको भी सोचना चाहिए। और सबसे ज्यादा इसकी जिम्मेदारी आती है हुकूमत की, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जब से ये मौजूदा वजीर आई हैं फरदौस आशिफ पवार, इन्होंने कभी भी किसी हुकूमती को सही प्रोजेक्ट नहीं किया, ये हमेशा अपोजिशन के ऊपर ही रहती हैं और बगैर किसी दलील के, बगैर किसी बात के उल्टे सीधे इल्जाम इन्होंने हुकूमती मौकफ को उजागर करने के बजाय हुकूमती मौकफ को बर्बाद किया है। और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन में अगर कोई माकूल आदमी हो जो दोनों तरफ की बात को लेकर आगे चले और तो ये इतनी रखना अंदाजी ना होने पाए, तो इस वक्त हर क्वार्टर को अपने अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और मिलकर, जैसे हमने अभी कहा कि मिलकर ऐसा हमें कोरोना से फाइट करना है। लोगों को किस तरह सहूलियत पहुंचानी है, लोगों को तो मास्क तक नहीं मिल रहे, तो कम से कम आपके पास जो इमदादी सामान आया है और इमदादी सामान में जो मास्क आए हैं आप उसे कंट्रोल रेट पे, आपने पैसे बनाने हैं ना, कंट्रोल रेट पे मेडिकल स्टोरों और जनरल स्टोरों को भेज दें ताकि मुझे कंट्रोल रेट प्राइस पे वो मास्क मिल सके। किसी को 200 का मिल रहा है, किसी को 150 का मिल रहा है, किसी को 50 का मिल रहा है, किसी को 60 मिल रहा है, कोई किसी मास्क का रेट है नहीं, अगर तो अवेलेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट इंश्योर कर ले कि ये मास्क 10 रुपए का हर एक को मिलेगा, आपको पता है मास्क कि लाइफ 8 घंटे है, जो सर्जिकल माइक है 8 घंटे से आप ज्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक मास्क खरीदते हैं वो हमने 15 दिन पहले खरीदा था, आज भी वही मास्क लगा रहे हैं, तो उस मास्क की अफादियत खत्म हो चुकी है। तो कम से कम मास्क स्टोरों पे मार्केट में इतने अवेलेबल हो जाए और इतने सस्ते हो जाए, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस पे मिल जाए, इमदादी सामान को आप बेच दें स्टोरों पे ताकि आप बंदर बांट करेंगे अगर आप मुफ्त में बांटेंगे,
क्योंकि अभी डॉक्टरों की एक तंजीम है, उसने कहा कि N95 चाइना ने यहाँ 5 लाख सिंपल दिए थे और उन्हें किसी एक डॉक्टर को एक मास्क भी नहीं मिला। मिले होंगे, लेकिन आपने अभी पहले कहा कि मीडिया भी कई जगह अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा होता, कहीं जगह मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा होता, कहीं आवाम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही होती, कहीं सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा होता, कहीं कर रही होती। तो हम सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, सबसे अहम बात यह है। आपने आपने जिन चीजों की निशानदेही की है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अपना काम जो है सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो दिल से चाहते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हों, करप्शन पर पूरी तरह से काबू पाया जाए और साथ जो गरीबों की हालत है उसको बेहतर की जाए, इसलिए वो नई नई स्कीमें और नए नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसी तनाजुर में उन्होंने जो घर घर राशन पहुँचाने का बंदोबस्त किया है और लोगों को 12,000 रुपये यानी इस पर पहुँचाने का अरेंजमेंट किया है, तकरीबन 1,20,00,000 आदमी हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म को पता नहीं है कि उनकी जो मीडिया टीम है बड़ी वीक है और वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए? यानी कि इसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये है कि वज़ीर आज़म की जो मीडिया टीम है बहुत ही एक्टिव और मुतहरक होनी चाहिए, वो छोड़ दें अपोजिशन का पीछा, छोड़ दें उसका पीछा, अभी उसको ज़्यादा उसको डिस्कशन में लाने की ज़रूरत नहीं, अपोजिशन का काम ही शोर मचाना होता है। उनका सारा जो जो स्पेशल एडवाइज़र हैं फिरदौस आशिक अफगान साहब, उनका सारा जोर जो है वो अपोजिशन के ऊपर ताने मारने के लिए ऊपर और झुकते हैं। लंदन में है तो वो लंदन में क्यों है, वो यहाँ आने रहे तो आ क्यों नहीं रहे, वो आ गए हैं तो आए क्यों हैं, इसके अलावा उनका नहीं जाती। मरियम खामोश क्यों है, मरियम बोल क्यों रही है, मरियम बाहर क्यों जाना चाह रही है, मरियम आना क्यों चाह रही है, इसके अलावा उनका जवाब कहीं नहीं मिलता। उनका काम है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो हाईलाइट करें और हाईलाइट करें थ्रू रेडियो। ने बड़े अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, इसमें एक एहसास प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अगर उसको सही तरीके से हाईलाइट किया जाए। हमने एक आर्टिकल लिखा मगर उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा था, उसके अंदर जो फीचर्स थे जिस तरह से उन्होंने किया गया था वो एक बेहतरीन प्रोग्राम था अगर उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने अच्छे कारणों को प्रोपेगेट नहीं करते, उसके बजाय दूसरों के कीड़े निकालने में लग जाते हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप अपना जो वक्त मिल रहा है उसे अपना काम लोगों तक पहुंचाएं कि हमने ये कर दिया है, आप बताएं हमें और क्या करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, और अभी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा हालात में जबकि मुल्क की फाइनेंशियल हालत भी अच्छी नहीं है और हम जैसे आपने खुद कहा लॉकडाउन के ज़्यादा अरसे तक मुकम्मल नहीं हो सकते, वर्कर बेकार हैं, हुकूमत जो है कब तक सपोर्ट करती रहेगी, कब तक राशन देती रहेगी, तो इसके लिए मतलब यह है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत को और अवाम को कि वो किस तरह से अमल करें ताकि हुकूमत भी अपना काम करती रहे और अवाम जो है वो भी हुकूमत के ऊपर ज़्यादा बोझ ना बने। जी बहुत खूबसूरत बात की और इसका एक ही जवाब है कि तमाम लोग एहतियात करें, वही गर्म पानी पिएं, हाथ धोएं और 5 बार वजू करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है उसकी तरफ रुजू करें और तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुलें और वहाँ पर दफ्तर वाले फैक्ट्री वाले कारोबारी इदारे अपने मुलाजमीन को खुद मास्क फराहम करें। पुलिस वाला अगर एक आदमी मुझे रस्ते में रोकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपके पास मास्क नहीं लगा हुआ तो उसके पास मास्क रखे हुए सरकारी तरह से कि ये ले आप मास्क पहने और अपने काम पे जाएं और जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं वहाँ अपने फासले डिस्टेंस रखें। बट साहब आगे एक और बड़ा मसला है, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद तरावियों के मसाइल आएंगे, फिर रमज़ान के बाद ईद की शॉपिंग के मसाइल आएंगे, फिर उसके बाद एक और भी एक मसला है कि हमारा बजट जो है ना अब ये फैसला कुन तैयारी के मराहिल में आ गया है, हमारा अगला बजट आना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है नहीं, अब हमने आगे का बजट बनाना है। इस बजट में हमारा 5.5 ट्रिलियन का टारगेट था, उसमें हम डेफिनेटली बहुत नीचे $800-900
और 800-900 अरब नीचे शॉर्टफॉल आएगा, काफ़ी बड़ा शॉर्टफॉल आने वाला है। अब अगला बजट हमारा 5.5 के बजाय 6.5 का उसका टारगेट होना चाहिए, मगर हमारा ये टारगेट नहीं पूरा हुआ, ऊपर से ये इकोनॉमिक कंडीशन आ गई है, तो अगला तो बजट हमारा हम तो 3 ट्रिलियन नहीं ले सकेंगे, 3-4 ट्रिलियन के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन, और हम 6-6.5 जबकि हमें किसी भी सूरत हमारा 8 ट्रिलियन का टारगेट हमें पाकिस्तान को आना चाहिए। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि 8 ट्रिलियन के रेवेन्यूज इकट्ठे हों। उसके लिए क्या हमें पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें FDR को चलाना चाहिए, किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चलाना चाहिए कि हमारे 8 ट्रिलियन इकट्ठे हो सकें। अगर हम इससे नीचे, हम तो 5.5 नहीं कर सके तो फिर नीचे कहाँ जाएंगे। तो इस वक्त वही एक बात है कि सब अपने अपने फ़राइज़ अदा कर लें, हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करे, अपोजिशन अपना फ़र्ज अदा करे, अवाम अपना फ़र्ज अदा करे। अवाम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है, सिर्फ तनकीद ना करें, सिर्फ उल्टी सीधी इधर उधर की ना करें। हाय नबी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नरीन, जैसे आपने देखा होगा कि नकवी साहब ने खुल के तमाम बातों का जवाब दिया है, और जो उनका व्यू पॉइंट था उसको उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया है। इसका बेहतरीन इलाज जो उन्होंने बताया कोरोना वायरस का, कि एहतियाती तदाबीर हैं, और वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो भीड़ भाड़ जहाँ होती है उसको उन्होंने कंट्रोल करना है, खुद कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। लॉकडाउन के वो ख़िलाफ़ हैं, खुली तौर पर बात उनकी बिल्कुल सही है कि कर्फ्यू तो बाद की बात है, लॉकडाउन में ही काफ़ी डिफ़िकल्टीज हैं। अब उनका ये कहना है कि इस वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी स्टैंड स्टिल हैं, कारोबार ठप हैं, और हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, कंपनसेशन दे रही है, पैकेजेस भी दे रही है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन इट इज़ ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, इट्स नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ऊपर से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि बजट भी आने वाला है, और हालात में इस तरह से महंगाई होगी जिस तरह से चल रही है, तो फिर मुश्किलात जो हैं अवाम की बढ़ेंगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि तमाम लोग जो हैं, जो हुकूमत की हिदायत हैं उस पर अमल करें, ताकि इस वबा से जल्द अज जल्द जान छूट जाए, और अल्लाह ताला से हमें चाहिए कि हम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें। और साथ ये भी उन्होंने एग्री किया इस बात से कि हुकूमत और अपोजिशन को सब एक पेज पर इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये किसी इंडिविजुअल पार्टी का या किसी एक पर्सनैलिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे मुल्क का सवाल है। जब मुल्क का सवाल होता है तो तमाम को एक पेज पर होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब को पहल करनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को बुलाएं, इकट्ठा करें और उनसे मशवरा करें, मुशावरा से तमाम चीज़ें हल करें। बाकी जो सियासी हलचल मची हुई है, ये एक ऐसा मौका है कि तमाम सियासी जमातों के जो भी अपोजिशन के हैं, हुकूमत के हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस वक्त कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मूवमेंट जिससे कि अदम इस्तेकाम हो मौजूदा हुकूमत को, तो वो हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो आइए हम सब मिलकर हुकूमत का साथ दें और उनका हाथ बटाएं, और कोशिश करें कि जो ये कोरोना वायरस की इब्तदा जो वबा जो फैली हुई है, इससे हमारी जान जो है वो छूट जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना भी ख्याल रखें, पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, और जो नकवी साहब ने एहतियाती तदाबीर कही हैं उनके ऊपर सख्ती से अमल करें, और इसकी बेस्ट मेडिसिन जो है वो है, अभी तो आपको पता है कि इसका कोई एंटीडोट हासिल नहीं हुआ, कोई वैक्सीन अभी तैयार नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च हो रही हैं, होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर कोई वैक्सीन आएगा, वो फिर पहले ट्रायल होगा जानवरों पे, फिर जाके लोगों के ऊपर होगा, तो उस वक्त तक हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। मैं एक बार फिर सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला, तो इंशाल्लाह फिर आपको मौका देंगे आने का। पाकिस्तान पाइंट।